टॉटन फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं देवप्रयाग से। देवप्रयाग का संगम दिखाऊंगा, क्योंकि आप बोल रहे होंगे आज पहले और टाइम तो गुड मॉर्निंग सुबह से पढ़ते हैं, आज दिन में ऐसे कैसे। तो आज चार धाम था, चार धाम में क्या है कि जब हम चार धाम चलते हैं तो उधर से स्टार्ट करते हैं, हम यमुनोत्री से, गंगोत्री से, केदारनाथ से, बद्रीनाथ से। तो फिर बद्रीनाथ आते हैं, फिर तो यहाँ से हम डाउन उतरते हैं, हम चढ़ते मसूरी से हैं और उतरते हम देवप्रयाग, यहीं से उतरते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से ना, यहाँ से भी अलग व्यू है, संगम दिखने का। संगम दिखाता हूँ आपको, अभी तो रोपवे की सवारी यहाँ पर मैंने, ये है संगम यहाँ से रोपवे, तो नदी का संगम। और यहाँ से तो इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है और एक पॉइंट वो भी है जो मेन रोड से आप देख सकते हैं संगम को। लेकिन मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ, आज नया कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारे लिए भी। वैसे दिखा तो रखा है मैंने गेस्ट को काफ़ी टाइम, और जो पैदल जाते हैं यहाँ से जाते हैं पैदल जाने के लिए। ये है संगम, एकदम क्लीन नहीं, क्लियर नहीं था यहाँ से, उधर से अच्छे, उस लोकेशन से अच्छा दिखता है ना। और उस तो मतलब धौली गंगा, मतलब धौली विष्णु प्रयाग से ऐसी आ रही नदी बन के, अलकनंदा ना मठमैली। और वहाँ पर देखिए संगम में स्नान कर रहे हैं नदी भागीरथी में। रघुनाथ जी का मंदिर है, और अभी तो हम जाएंगे फिर वहीं। आज राम झूला, लक्ष्मण झूला भी दिखाना है, जिसके आज 10वां दिन है हमारी यात्रा का, चार धाम यात्रा का। अब मौसम काफ़ी खुला खुला सा है, कहीं कहीं पे हमें बारिश मिली थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यू पॉइंट है यहाँ पर, इसके यहाँ पर आके आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको जाना है तो उस पुल से जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ कर रखी है पार्क में, यहाँ पर काफ़ी सारे आगे हैं जिसके से। तो फ्रेंड्स, अभी तो यहाँ पर रुके हैं, खाना वाना खाऊंगा मैं यहाँ पर, एक बज गए हैं खाना, क्योंकि सुबह नाश्ता भी किया था, सुबह नाश्ता देर से किया था, जल्दी किया था और कमी किया था। तो अभी सैनी होटल में रुक चुके हैं यहाँ पर ढाबे में, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लंच करेंगे, दाल रोटी चावल जो भी होगा वो खाएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको सैनी होटल, सैनी होटल ये देखिए, पूरा का पूरा सैनी होटल है ये ढाबा, सैनिक होटल, सैनिक रेस्टोरेंट, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है। अपने मामा जी भी है मेरे यहाँ, सेवंती मामा, उनसे मिलाता हूँ मैं आपको। और मेरी गाड़ी तो वहाँ खड़ी करके चाय ची पीऊँगा, वही हम तो चाय ची पी के तब चलेंगे, मामा जी से मिलाता हूँ। पिछली बार उन्होंने अंकिता भंडारी के उसमें कुछ ना कुछ कहा था, तो इस बार देखते हैं क्या कहते हैं अंकिता भंडारी के उसमें। मामा जी तो चाय बना रहे हैं। मामा जी नमस्कार। हाँ मामा जी, कैसे हो? तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ एलोहा में, एलोहा ऑन द गेंजेस, जो कि एक रेस्ट होटल है और एक फ्लैट अपार्टमेंट भी है। अभी यहाँ पर सवारी को ड्रॉप कर दिया है मैंने 3:15 बजे करीब। तो अभी गेस्ट कह रहे हैं कि अभी हमको लंच भी करना है, तो उनको लंच करने ले जाके जाऊँगा। फिर शायद से लक्ष्मण झूला, राम झूला दिखाने के लिए, लक्ष्मण झूला तो बंद है, और राम झूला दिखाऊँगा, राम झूला, और फिर वहीं से उनको परमार्थ की आरती दिखा के फिर जानकी सेतु से पिकअप कर लूँगा। तो अभी ऐसा होने वाला है, अभी देखते हैं, वेट करते हैं। सामान सामान सब ड्रॉप कर दिया है मैंने, छोड़ दिया है। और रितेश भाई तो हमारे परेशान है काफ़ी ज़्यादा, बोला कि अब मैं नहीं आऊँगा। लेकिन वेदर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है यहाँ पर, देखिए अंटालिया भी यहीं पे खुल गया है। वेदर दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का, और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर एलोहा की। ये देखिए, ये है एलोहा ऑन द गेंजेस, कितना अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी एलोहा। ये तपोवन में है, तपोवन से जैसे ही आप आगे जाते हैं तो राइट साइड में आता है एलोहा ऑन द गेंजेस, जो कि एकदम नदी किनारे है। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है देखो ना, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने तो अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर रखी है, यहाँ से चलेंगे जल्दी जल्दी। और मौसम तो एकदम खुला हुआ है, लेकिन उधर काले बादल छा रखे हैं पूरे पूरे। फ्रेंड्स, एलोहा से हम निकल चुके हैं लंच कराने लगे गेस्ट को, और अभी मैं लंच करा रहा हूँ। ये तपोवन का एरिया है, ये मैंने गाड़ी पार्क रखी है, ये दूसरे जो भाई साहब हैं वो बैठे हुए हैं। और ये जो देख रहे हैं द बिग बर्गर, ये होटल भी है और एक गुड रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट का डाउन साइड है, नीचे की तरफ रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट कर रहे हैं गेस्ट। तो उसके बाद अभी यहाँ से जाएंगे। तो मैं तो लक्ष्मण राम झूला ये दिखा के, फिर गंगा आरती दिखा के फिर घर नहीं जाऊँगा। लेकिन सर तो भाई जी दूसरी गाड़ी है, वो तो ड्राइवर छोड़ने को तो जल्दी चल जाएंगे, ठीक है गाइस। अभी देखते हैं, अगर राम जाएंगे तो राम झूला का दिखाऊंगा थोड़ा। सो फ्रेंड्स, अभी आ चुका हूँ फिर से एलोहा में, और जो पूरे जो मेरे गेस्ट थे उनको मैंने लंच करवा दिया है यहीं पास में तपोवन में। और सर को फिर मैं यहाँ लेके आया, तो सर ने कहा था कि अभी जाएंगे हम राम झूला जाएंगे और परमार्थ की आरती, या तो फिर परमार्थ की आरती करेंगे। अगर राम झूला जाएंगे तो परमार्थ की आरती कर पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, इस समय 6 बज गए हैं पूरे के पूरे, शार्प 6 बज चुके हैं। और जो मेरे साथ एक गाड़ी थी, उनको तो ड्राइवर ड्रॉप करना था, तो वो तो चले गए ड्राइवर ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि फिर उनका यहाँ कोई रुक के कोई फ़ायदा था नहीं, वैसे भी देहरादून के हैं। तो सर ने बोला था अभी आएंगे, तो अभी आए तो है नहीं,
अब पता नहीं गंगा आरती जाते जाते, लेकिन क्लियर कर देते तो भैया मैं भी मुझको रिलीज़ कर देते हैं, तो मैं भी घर जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पता नहीं कभी कभी ऐसे गेस्ट आते हैं क्या करें, लेकिन ये क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, ये एक हमारी जो ड्यूटी है उसका अंग है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी हम जल्दी भी, कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है, तो जैसे भी है ड्यूटी तो ड्यूटी करनी है, जब इस लाइन पे आ गया है ना क्या करें। तो अभी वेट करता हूँ मैं, अगर देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं हो पाएगा नहीं जा पाएंगे, अगर मना करते तो मना ही तो करते, कम से कम अभी देखिए क्योंकि 6:30 बजे की आरती होती है इतना मुझे पता है, तो कब ये जाएँगे कब यहाँ जाएँगे, नहीं जाएँगे तो ना ही बोलें पता नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे जहाँ जैसे भी होगा, जहाँ का लोकेशन होगा वहाँ की लोकेशन की वीडियो डालूंगा आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपसे। गाइस अभी मैं आ गया हूँ राम झूला पर, अभी जो मैं खास रोड के पुल पे, जो यहाँ पे खास रोड का पुल है ये पास खड़ा हूँ। तो 6:30 बजे आया मैं यहाँ पर, तो 6:15 बजे करीब निकल गया था मैं वहाँ से अलोहा होटल से। तो देख लीजिए आप, और वो आरती की बात थी तो आरती बता रहे थे कि वहीं हमने देख ली थी वाली आरती, जो अलोहा अपार्टमेंट अलोहा जो होटल है वहीं आरती भी होती है, उनकी खुद की अपनी आरती होती है, तो वहीं देख ली थी हमने। तो अभी बस वो वहाँ घूमना है, लेकिन मैंने उनको पहले क्लियर किया था कि मैंने 8 बजे सर पहले मुझे आप रिलीज़ कर देंगे आप, तो बोला ठीक है हम 8 बजे से पहले आ जाएंगे। तो मैंने ठीक है सर मुझे 8 बजे मैं लास्ट ड्यूटी करूँगा सर, उसके बाद मैं घर चल जाऊँगा, यहाँ से जाना होगा तो वहीं चल जाऊँगा सर। बोला ठीक है आप यहाँ पर वेट करना 7:30 बजे तक, 7:45 बजे तक हम आ जाएंगे, उसके बाद हमें आप ड्रॉप कर देना, हम आप जा सकते फिर। मैंने ठीक है सर, तो वेट करेंगे अभी यहाँ पर, और इससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ परमार्थ आश्रम यहाँ से कितना अच्छा दिखता है, एकदम लाइटिंग और क्या, आज जानकी सेतु भी है, अगर मैं जो मेरी वीडियो में आप देखेंगे राइट हैंड में जो देखेंगे वो जानकी सेतु रहेगा, और जो स्ट्रेट दिखेगा वो परमार्थ आश्रम दिखेगा, जहाँ पर कि इवनिंग गंगा आरती होती है, वो भी अप्रोक्सीमेट 6:00 के टाइम पे होती है। ठीक है चलो आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ खास रोड के पुल पर, ये खास रोड का पुल है, और यहाँ पर काफ़ी सारी राफ्टिंग की गाड़ी देख सकते हैं आप, ये राफ्टिंग लोड हो रखी है, ये राफ्टिंग की गाड़ियाँ सब लोड हो रखी है यहाँ पर। ये सब राफ्ट है, ये सुबह जाएंगी, तो अभी से लोड कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से स्ट्रेट जो आप देख रहे हैं परमात्मा आश्रम, वहाँ आरती हो चुकी है, ये देख रहे हैं ये परमात्मा आश्रम। अब ये राइट साइड दिखाऊंगा मैं आपको, ये जानकी सेतु है, ये जानकी सेतु ब्रिज है। ठीक है अभी इसके जो मैं लेफ्ट साइड में दिखाऊंगा वो है परमात्मा आश्रम, लेफ्ट साइड में है वो राम झूला है, और कितना प्यारा लगा राम झूला। तो गाइस ये है, और घाट भी काफी सुंदर सुंदर घाट है यहाँ पर। घाट देखिए, और क्या ठंडी ठंडी हवा बह रही है, वो ठंडी हवा बहने के कारण क्या है कि जब वो नदी का वो जो फ्लो है ना, वो वहाँ से जब इस तरफ आया ना तो अपने साथ क्या है हवा भी लेके आता है, और ठंडी हवा जो बह रही आए हाय क्या मज़ा आ रहा है। और एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, मैं जो जिस जगह पॉइंट कर रहा हूँ ये रेड कलर की चीज़ देख रहे हैं आप, ये भूतनाथ टेम्पल है। आप जब भी कभी आप अगर आते हैं ऋषिकेश में आते हैं, ऋषिकेश जो फेमस है वो क्या बोलते हैं मैं भूल गया, तो ध्यान से तो ऊपर आता है वो है, हाँ राफ्टिंग, राफ्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है, एडवेंचरिंग के लिए काफ़ी फेमस है, और राफ्टिंग मैंने आपको दिखाई चुका हूँ है ना, तो ये है राफ्टिंग के काफ़ी फेमस है। तो कभी भी आए राफ्टिंग कीजिए यहाँ पर, राफ्टिंग खुल चुकी है, लेकिन अभी जो पानी है वो एकदम मडी है, एकदम मतलब ब्राउन कलर का आ रहा है इस समय, क्योंकि जो धौली गंगा का जो पानी है ना, अभी मैं जब विष्णु प्रयाग से आ रहा था तो धौली मैं मतलब कल आया था, तो विष्णु प्रयाग में क्या है कि धौली गंगा जो संगम हो रहा है विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का, तो वहाँ पर संगम होने से क्या है कि धौली गंगा का पानी बहुत ही मतलब मटमैला आ रहा है, जिस वजह से ही पूरा देख रहे होंगे आप पानी भी, क्योंकि जब लास्ट संगम जो होता है वो देवप्रयाग में होता है, तो वहाँ पर क्या है कि भागीरथी का पानी जो एकदम नीट एंड क्लीन है, लेकिन वो अलकनंदा पानी बहुत ही मडी आ रहा है, तो इस वजह से क्या है कि ये यहाँ पर ऐसा हो रखा है पानी, और काफ़ी अच्छा है। जब भी आप विजिट करेंगे ना ऋषिकेश को, तो ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला तो बंद हो चुका है, लेकिन राम झूला है, परमात्मा आश्रम है, और जब आप परमात्मा आश्रम की वो आरती देखेंगे गंगा आरती, तो राम झूला जाना, राम झूला से राइट टर्न लेके आप जाएंगे परमात्मा आश्रम में, परमात्मा आश्रम में जाके फिर वहाँ से आप स्ट्रेट जाना ये जानकी सेतु में, इस पर आ जाना जानकी सेतु घूम के, और आप पूरा का पूरा पल्ली पार मतलब नदी के उस पार के साइड जगह को भी विजिट कर सकते हैं। और देखिए घाट कितने सुंदर बना रखे हैं, एकदम मस्त है ना, और यहाँ पर जो नदी किनारे प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी हैं रहने के लिए, स्टे करने के लिए। एक ये प्रॉपर्टी है देखिए, यही इसी के सामने जस्ट सामने मैंने गाड़ी लगा रखी अपनी है ना, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, एक यहीं पर युग संस्कृति के नाम से प्रॉपर्टी है,
अगर कभी स्टे करना हो आप तो उसको भी स्टे कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर रात का नज़ारा कुछ और ही है। और लेकिन और इस समय की प्लस पॉइंट ये है अक्टूबर का कि इस समय ठंडा है, आपको एकदम मतलब क्या ह्यूमिडिटी से फील नहीं होती। जैसे आप अगर यही आप अगर समर टाइम पे आएंगे ना ये मई जून में तो एकदम ह्यूमिडिटी से फील होती है, चिपचिपा सा पन सा होता है एकदम से, है ना। तो ये है गाइस, कभी भी आएँ। अब पता नहीं मेरे गेस्ट तो कब तक आते हैं, 8 बजे का टाइम तो दे रखा मैंने, 7:05 तो हो गए हैं, आधा घंटे बाद आ जाएंगे 25-30 मिनट बाद। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, रवाना करता हूँ अपनी गाड़ी की ओर। अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपनी गाड़ी की ओर, ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे जल्द ही। सो फ्रेंड्स, चार धाम यात्रा पूरी हो चुकी है और गेस्ट को ड्रॉप कर दिया बिफोर टाइम, 8 o'clock का टाइम था तो 8 बजे से पहले ड्रॉप कर दिया है और अब चलते हैं घर। कल की ड्यूटी अलग सी है, कल के ड्यूटी 8-9 दिन का प्रोग्राम है मेरा जो कि सिर्फ केदारनाथ है। तो पहले जाएंगे मसूरी स्टे करना है, 3 नाइट करीब है, ऐसे कुछ प्रोग्राम है। तो अब मसूरी चलते हैं, जैसा भी हो निपट गई चार धाम यात्रा, 10 दिन का टूर था। ठीक है गाइस, ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और बने रहे मेरी वीडियो में। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ लाऊंगा मैं आपके लिए, कुछ अलग अलग जगह अलग अलग वहाँ की जो इतिहास है उस बारे में बताएंगे आपको। और चार धाम यात्रा तो कर लिया आपने मेरी वीडियो में, आज से चार धाम यात्रा क्योंकि चार धाम यात्रा भी कम्प्लीट कर गया। चार धाम यात्रा जो होता है 9 दिन का प्रोग्राम होता है वैसे तो, लेकिन सर और का 10 दिन का प्रोग्राम था, कोई 11 दिन का करता है क्योंकि अलग अलग जगह स्टे करते हैं उस हिसाब से प्रोग्राम होता है। तो ठीक है गाइस, करते हैं आपको अलविदा, आप भी है ना, और आपको गुड नाइट कहते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूंगा और परमात्मा से ये दुआ करूंगा ज़्यादा ड्यूटी दें, क्योंकि ज़्यादा ड्यूटी देंगे तो मुझे ज़्यादा ड्यूटी देने से क्या है कि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, वीडियो शूट करूंगा, वीडियो कंटेंट जो भी है मैं वो अपलोड करता रहूंगा यूट्यूब में और आपके साथ जो भी है हर बात शेयर करूंगा, साझा करूंगा। ठीक है गाइस, बाय बाय, लव यू।